नेक्स्ट आपके क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से होते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई मिरर के पास खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब कितनी बार बनेगा। याद रखना, ब्यूटी पार्लर जाते हो, सैलून दाढ़ी बनाने के लिए जाते हो तो आपका प्रतिबिंब कितना बार बनेगा, तो ये भी याद रखना है कि वन साइडेड मिरर ही है क्या। अगर वन साइडेड मिरर है तो एक बनेगा, अगर दोनों साइड मिरर है तो ये डिस्टेंस मेंटेन करता है। मतलब ये क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि एग्जाम में क्या दिया हुआ, 90 डिग्री झुका पे है मिरर, 60 डिग्री पे झुका है। अगर कोई डिग्री नहीं दिया हुआ है, याद रखो जी, अगर कोई भी डिग्री नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप अनंत टिक करना ऑप्शन में। मतलब मान लीजिए 2 है, 4 है, 9 है, अनंत है, तो क्या मारोगे जी, अनंत। और अगर अनंत ऑप्शन में नहीं दिया है तो विषम टिक करने का काम करोगे, क्या करोगे, विषम। ठीक है, बात को समझिए। इसका मतलब यहाँ पर आप विषम मार सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री दिया हुआ है तो याद रखना आप इस फॉर्मूला को आप यूज करने का काम कर सकते हो। 360 माइनस 1 बाई थीटा, मतलब अगर 60 डिग्री में अगर कोई झुका हुआ है तो 360 बटा 60, थीटा बोले तो 60 माइनस 1, काट दीजिए जी, कितना हो गया 5। तो बोलोगे 5 में, मतलब 5 इसके इमेज बनते हैं। अगर मान लीजिए 90 डिग्री में झुका है तो बता इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा जी, कितना बनेगा, आंसर बताइए, कैलकुलेशन दीजिए फटाक से, आंसर बताइए। तो 360 बटा 90 माइनस 1, तो 4 बोले तो 3 को बनेगा। अच्छा, अब बताइए कि अगर 120 डिग्री में अगर झुका है तो बताइए प्रतिबिंब कितना बनेगा जी, अगर 120 डिग्री में झुका है, 120 डिग्री में झुका है तो कितना बनेगा, तो 360 बटा 120 माइनस 1, तो कितना बनेगा बताइए, आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्स दोगे तो आप, हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में और ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 3 और यहाँ हो गया 2, तो याद रखो कभी भी विषम नहीं बनेगा। इसका मतलब कभी भी अगर विषम हो तो तुरंत, तो विषम कब आया, जब माइनस 1 किए, विषम कब आया, जब माइनस 1 किए, मतलब सम कब आया, सम बोले तो इवन नंबर कब आया, जब माइनस किए। लेकिन अगर इसको माइनस अगर नहीं करेंगे तो मेरा विषम ही रहेगा कि नहीं, तो ये कंडीशन याद हो, कभी भी अगर सम रहा तो वहां पर माइनस नहीं करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि दोनों फॉर्मूला में कौन फॉर्मूला को कहां यूज करने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट।